हाय फ्रेंड्स, मैं नवीन एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड सर बुक में। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल के ऊपर अभी देखा, आज के वीडियो किस टॉपिक के ऊपर होने वाली है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको किसी भी लोन एप्लीकेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाला हूं। अगर आप पेटीएम यूज़ करते हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अगर आप पेटीएम से लेन देन करते हैं तो इन फ्यूचर आपके साथ भी फ्रॉड हो सकता है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरा कि अगर आपने अभी तक माइंड सर बुक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। उससे ये होगा जब कभी इस चैनल के ऊपर आप सभी के लिए कोई नई वीडियो पब्लिश होगी उसकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके फ़ोन के ऊपर आपको मिल जाएगी, और आप उस नोटिफिकेशन के जरिए माइंड सर बुक यूट्यूब चैनल की सभी वीडियो को आसानी से देख पाइएगा। दोस्तों, अगर आपने ऑलरेडी माइंड सर बुक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप पेटीएम यूज करते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखिए, और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उन सभी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए जो भी पेटीएम से लेन देन करते हैं। दोस्तों, आज के डेट में इंटरनेट जितना आसान है वहीं पर इंटरनेट से फ्रॉड होने की संभावना जो है बहुत ज़्यादा बनी रहती है। कोई भी पॉपुलर एप्लीकेशन जो भी आप यूज़ करते हैं उसका क्लोन एप्लीकेशन आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू देखने के लिए मिल जाएगा। प्ले स्टोर के ऊपर तो ऐसी कम ही एप्लीकेशन है, क्योंकि गूगल इस चीज़ को जो है बहुत ज़्यादा मायने देता है और रेक्टिफाई जो है करता रहता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप पेटीएम यूज करते हैं तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हैं पेटीएम क्लोन की तरह, कि यूजर्स उस एप्लीकेशन के थ्रू किसी भी पेटीएम यूज़र से जो है फ्रॉड कर सकता है। दोस्तों, आज के डेट में अगर ऑनलाइन वॉलेट का नाम लिया जाए तो सबसे पहले पेटीएम का नाम जो है सबके जबान पे सबसे पहले आता है, क्योंकि पेटीएम आज के डेट में बहुत लंबे समय से बहुत अच्छी सर्विस जो है प्रोवाइड कर रहा है। आज के डेट में पेटीएम के पास बहुत ज़्यादा जो है यूजर्स है। यहाँ पे कंप्लीट शॉप्स एंड सर्विसेज के लिए पेटीएम ने बिजनेस अकाउंट भी जो है देना शुरू किया है। अगर आप ऑनलाइन किसी कहीं पे भी जो है शॉपिंग करने जाते हैं तो अगर आपके पास पेटीएम है आप आसानी से पेटीएम के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले देख लीजिए इस स्क्रीनशॉट को। जैसा कि अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये एक पेमेंट ट्रांसफ़र डिटेल है। दोस्तों, ये ट्रांसफ़र डिटेल जो है उसी एप्लीकेशन से लिया हुआ है जिस एप्लीकेशन के बारे में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। दोस्तों, इस एप्लीकेशन के बारे में बताने से पहले आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आप सभी को प्रोवाइड कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं कहीं पे भी इस एप्लीकेशन को जो है यूज़ करने की आपको सजेशन नहीं दे रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि आपके साथ अगर कभी फ्रॉड होता है तो आप कैसे जो है उसे पकड़ सकेंगे, कैसे जो है उसे रेक्टिफाई कर पाएंगे। दोस्तों, अगर पेटीएम का कोई भी बंदा इस वीडियो को अभी देख रहा है तो प्लीज़ आपके पास अगर ऐसी कोई व्यवस्था है अपने एप्लीकेशन में जो है इम्प्रूव करिए, ताकि उनके साथ जो भी फ्रॉड हो रहा है उसे वो बच सकें। सो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं आपको सबसे पहले लाइव डेमो जो है दिखाता हूँ। यहाँ पे दूसरे विंडो में मेरा मोबाइल का स्क्रीन है और इस मेरे मोबाइल के अंदर एक एप्लीकेशन इंस्टॉल है जो कि पेटीएम स्पूफ के नाम से है। अब जैसे ही इस एप्लीकेशन को मैंने ओपन किया, यहाँ पे मोबाइल नंबर, नेम और पेमेंट कितना करना है ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिट करना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने अपना नाम डाला, मोबाइल नंबर डाला और पेमेंट कितना करना है वो फिट किया और सेंड किया। अभी आप देख रहे हैं जो स्क्रीनशॉट मैंने आपको दिखाया, सेम वही स्क्रीनशॉट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से कोई भी यूज़र अब जिससे भी पेटीएम के थ्रू लेन देन कर रहा है इस एप्लीकेशन के थ्रू उनसे जो है फ्रॉड कर सकता है। सो फ्रेंड्स, कभी भी जब आप पेटीएम से लेन देन करें तो इन सारी चीज़ों को जो है ज़रूर ध्यान रखें। आने वाले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे जो है आप इस फ्रॉड से बच सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था छोटा सा अपडेट आप सभी के लिए पेटीएम से रिलेटेड। आई एम श्योर जब भी आप पेटीएम से अब लेन देन करेंगे इन सारी चीज़ों को जो है ज़रूर ध्यान रखेंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड को शेयर करिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ दोस्तों फिर आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।